कोरोना वायरस दौरान जिला होशियारपुर के अंतर्गत पड़ते गांव मोरावाली का एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी, जिस कारण इलाके में काफी भय बना हुआ था। इसी दौरान इसी पीएससी पोसी के अंतर्गत पड़ते 11 गांवों की गर्भवती महिलाओं ने लॉकडाउन से लेकर आज तक 11 बच्चों को जन्म दिया, जिस कारण हॉस्पिटल स्टाफ डॉक्टर सभी खुश थे। तो इस दौरान इन गाँव के लोगों की और विशेष नाकाबंदी भी की हुई थी। उन्होंने बताया कि वह अपने अपने गाँव को कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचाने हेतु रोजाना नाका लगाते थे और आने जाने वालों की पहचान देकर ही आने जाने दिया जाता था। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देशवासियों, सारे ही वर्ल्ड दे विच एक कोरोना वायरस की बीमारी आई हुई है, इस दे संबंध दे विच सारे ही इंडिया दे पिंडां दे विच शहरां दे विच अपने अपने पिंड सील किए गए हैं ताँ कि बाहरों कोई भी वायरस वाला मरीज अपने पिंड दे विच दाखिल ना हो सके। गौरमेंट दे हदायतां दे मुताबक ये नाका बिल्कुल सील किया गया है। पिंड पद्दी सूरा सिंह, ग्राम पंचायत, फुटबॉल कमेटी, गुरु घर कमेटी सारिया के सहयोग के नाल ये बंद किया गया है। हर एक बंदे की आइडेंटिफिकेशन देख के पिंड दे विच दाखिल होण दिता जांदा है। सारे ये जिवें तुसीं गल करदे हो हर बंदे की, ये जिहड़ी जिस मेन रोड पर जिहड़ा पिंड तुहाडा लिंक रोड पर आ, ये तो अगे सरकारी होस्पिटल आ, होर इहो जिहे चीज़ां जिहड़ियां लोगों बाहरले पिंड आने जाण पैंदा, की तुसीं उन्हां नूं जिद्दां पुलिस प्रशासन जांदा जां सिविल प्रशासन जांदा जां सेहत विभाग दे कर्मचारी जांदे आ, उन्हां नूं किस तरह तुसीं जाणदे हो? असीं उन्हां दी आइडेंटिफिकेशन देख के उपर लिखिया देख के फिर असीं गां जाण दिंदे आ उन्हां नूं। फिर वो जो ड्यूटी का कार्ड अपना वो दिखा के जाते हैं, सानू सारिया नू मिल के पुछ के सारा कुछ फिर अगे जाते हैं। असी सारे ही देशवासियों ने बेनती करते हाँ कि अपना अपना पिंड सील कर दो, बाहरों कोई भी बंदा अंदर ना आन दो ता कि करोना तो बचा जा सके। सदा जी जिहड़ी अज अक्सर देखा जाता नशियां की दौर आ, नशियां के दौर च नौजवानी बहुत ग्रस्त हो गई है, आम पिंडा च जिहड़े नशियां वाले लोग आ इधर उधर भजदे आ, कि तुहाडे पिंड च भी इहो जिही कोई गल हुई आ भी जिहड़े नशियां वाले लोग ज इस नाका लाउण नाल किसी नूं कोई प्रॉब्लम आई होवे? साडे पिंड दे विच बाहरों नशियां वाले कुछ आंसर आए सन जिन्हां नूं असीं वैल समझाया, नहीं समझ तो फिर थप्पड़ परेट करके भी उन्हां दा इलाज किया गया। सारे ही देशवासियों नूं साडी इहो बेनती आ कि इन्हां नूं भी नत्थ पाई जावे, बड़े प्यार नाल समझाओ, नहीं समझ तो दूजी तरह समझाउण दी कोशिश करो जी। मैं पिंड दी सरपंच संदीप कौर बोल रही हाँ। असीं पिंड दे नहर ते नाका लाया होया है, असीं पिंड दी पूरी सहयोगी दे नाल सारा ये काम अपनी ड्यूटी ठीक ढंग नाल निभा रही हाँ। ये महिलावां तीन चार असीं इकट्ठियां खड़ियां हाँ। असीं ये करोना वायरस बारे जिहड़ी ये बीमारी चली हुई है ये बारे सारिआं नूं ये सूचित करना चाहते हाँ भी अपने अपने घर ही सारे बंद रहन, किसी आवागमन घूमने की लोड़ नहीं है, क्योंकि बीमारी एक दूसरे को एकदम वायरस हो रही है, इस करके सानू सारे नूं एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए है। मैं आपका होस्ट हुआ दोस्त गर्जी करियोगा। आज हम पीएससी पोसी जो जिला होशियारपुर का हेल्थ सेंटर है वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ पे एक बात करते हैं, उनको साइंस की बात करते हैं, कुदरती की बात करते हैं, बहुत से लोगों की ओर से इस तरह की बातें की जाती हैं भैया क्या होता है, क्या कैसे कुदरत करती है। यहीं पर एक हम अपने दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना वायरस लेकर लोग पूरी दुनिया भर की हुई पड़ी है, वहीं पर जो जिला होशियारपुर का कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट था, जो पहला पेशेंट था अपने से जो इस पीएससी ओसी के अंडर गाँव आता था वो आया था, जिसकी बाद में मृत्यु, परंतु उसी के साथ साथ चलते जो अन्य लोग थे वो पूरी तरह से यहाँ से नेगेटिव आए। इसी के चलते कुदरत की एक और देर हम इसी की बता दें कि ये बात करते हैं मेडिकल साइंस की बात करते हैं, दूसरी बातें करते हैं हम हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत सी बातें करते हैं, वहीं पर चलते लॉकडाउन से लेकर टिल टाइम तक आज तक इसी पीएससी कोसी में 11 नवजन्मे बच्चों ने जो अलग अलग इलाके के विभिन्न गाँव से महिलाएं गर्भवती महिलाएं थी उन्होंने अपने 11 बच्चों को जन्म दिया टिल टाइम तक लॉकडाउन से लेकर। और इसी के चलते विस्तृत जानकारी से बात करेंगे, जानकारी लेने के लिए बात करेंगे यहाँ पीएससी कोसी के डॉक्टर एसएमओ डॉक्टर रवि सिंह से बात किया। कुदरत की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए जो पहले पॉजिटिव नहीं था तो यो ये आपकी पीएससी कोसी के अंदर आता था, तो उसकी मृत्यु के बाद लोगों में काफी भय पाया जाता था, फिर भी आपकी टीम की ओर से डॉक्टरों की जो सरकार की ओर से सूटें दी गई थी उसी के चलते आपने अभी जिला होशियारपुर में जो आपके पीएससी में स्थिति काफी अंडर कंट्रोल है। तो वहीं चलते चलते यहाँ इसी को पीएससी कोसी में इलाके की विभिन्न जो 11 महिलाओं ने यहाँ पे 11 बच्चों को जन्म दिया,
आप हमें उनके बारे में बताएं, जहाँ जो कैसे ये महिलाएं हैं, तो कौन से गांव की और कितने बच्चे जो फीमेल थे जो मिले? इस तरह जी, जिस जिस समय तो पंजाब दे विच लॉकडाउन 22 तरीक तो शुरू होया सी, उस तो बाद तो लैके हुण तक पी एस सी कोसी दे विच हुण तक 11 डिलीवरीज मेरे इत्थे हो चुकी हैं। और सब तो जिहड़ा सिरा है वो मेरे इत्थे दे मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स और वार्ड अटेंडेंट और बाकी सारे सिविल स्टाफ में जाना जोड़ा 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं। और इस दे नाल नाल और पूरा स्टाफ COVID-19 नाल भी लड़ाई लड़ रहा है। और जो इतने डिलीवरी सेंटर होने करके इतने तो मेरे स्टाफ ने भावें कि स्टाफ की कमी भी है, पर इसके बावजूद भी 24 घंटे असी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जनेबा वास्ते। और इस इलाके के वक् वक् पिंड जिस तरह पथराणा कोसी फतेहपुर और इस तरह होर पिंड आई गर्भवती मावं के जनेबे हुए, उन्होंने 11 मावं और उन्होंने बच्चे तंदुरुस्त हो गए, डिस्चार्ज हो गया, वो अपने घर में जा चुके हैं। अज एक डिलीवरी एक होर हुई सवेरे और वो वार्ड में ही माँ और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्ती पे हुए हैं, तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये देखा गया कि आपने जैसे मैं अभी बात की है कि जो कोरोना पॉजिटिव को लेकर इसी क्षेत्र के लोग बहुत भयभीत थे, तो जब ये खुशियाँ आई तो हॉस्पिटल के स्टाफ और आप जो अब काफ़ी देर से इसी में जुड़े हुए थे, आपको अपने घर की बेइज्जती की भी कोई परवाह नहीं करते, यहाँ पे काम करते, ऐसे बच्चों में आपको इस तरह का माहौल मिला तो आपको कैसा लगा? इस तरह जी के जो एक डॉक्टरी प्रोफेशन के साथ जिम्मेवारी है वो हर तरह के हालात के लड़ने वास्ते है। जे इस वेले पूरे विश्व के COVID-19 की एक समस्या आई हुई है, तो उसके नाल नाल जिहड़ियां बाकी सेहत सेवावां हैं जो असीं लोगों को प्रदान करनियां, उन्हें भी इस नाल जारी रखना साढ़े ही महकमे की और मेरी और मेरे स्टाफ की जिम्मेवारी बनती है। और असीं हर तरीके मैनेज किया कि इतने OPD भी चली जाए और लोगों को दवाई भी मिले टाइम पर मिले, और इस तो अलावा जो इतने डिलीवरी सेंटर है और जड़ी भी गर्भवती माँ इतने डिलीवरी कराने आए उसनों असी समय से और ठीक ढंग असी अपनी सर्विस दे के मदद की जाए। और अजिहा करने सानू बहुत मेरे उत्ते मेरे पूरे ब्लॉक के स्टाफ में बहुत खुशी महसूस होंगी है कि असी लोगों की इस काम के मदद कर सकते। डॉक्टर साहब, एक और जो सवाल मेरे जेब में आता है, मैंने देखा है पिछले समय में सरकार की ओर से जो कई लोगों के कई हॉस्पिटल जो निजी प्राइवेट हॉस्पिटल थे, कई डॉक्टरों कोरोना वायरस के चलते चलते बंद कर दी थी, वो कोई बंद कर दी, क्या ऐसा इसी PSC में भी हुआ? नहीं जी, मैंने ये दस के बहुत खुशी होती है कि मेरे बहुत सारे मुलाजम जो काफ़ी दूर तो कोई गुरदासपुर तो कोई पठानकोट तो कोई मोहाली तो आते हैं, उन्होंने जो इस बारे में मीटिंग बुला के इस समस्या शुरू होने तो एक दो दिन पहले सारे स्टाफ की मीटिंग बुला के दसिया, और तुम हैरान होवोगे कि मेरे वो 8-10 मुलाजम जोड़े कि हैल्थ इंस्पैक्टर और मल्टीपर्पज हैल्थ वर्कर मेल से, उन्होंने मेरे इतों नज़दीक ही 3-4 किलोमीटर के रूरल हॉस्पिटल बिंजो पेंदा उत्थे उन्होंने मैं रहने का प्रबंध किया, और पिंड वाले ने उन्होंने खाण पीन वास्ते खाने का प्रबंध किया, और उन्होंने उत्थे रह के दिन रात एक करके अद्धी रात को वो RRT टीम के मैंबर से, तो अद्धी रात को जिते भी उन्होंने कहा जाता से वो विदिन फ्यू मिनट्स उत्थे पहुँच के अपनी सेवाओं प्रदान करते। और मैं बड़ी माण और खुशी नाल तुहानू दसना चाहना कि मेरे किसी भी मुलाजम ने अपनी ड्यूटी तो 1% भी कोई कुताही नहीं की, और इस काम को एक चैलेंज के तौर पर लिया। एंड सर, एक और बात जो हमने देखा है, पहले एक फ्लोर का एक केस आया था जहाँ पॉजिटिव लीक था, फ्लोर में जो पुलिस थे अधिकारी थे SHO था उसके साथ गर्मैन थे, उनको भी कोरोनाइज किया गया। और इसी तरह लुधियाना को कोई किसी पे केस था रूप की वारदात का, उसके भी जो साथ थे जो मुलाजिम थे कर्मचारी थे SHO तो उसको भी इससे मतलब ग्रस्त हो गया, उसको भी कोरोनाइज किया गया वहाँ पर। ऐसा कोई अपने जिले में तो नहीं मामला? इस तरह का कोई भी मामला मेरे ब्लॉक या मेरे नॉलेज के नहीं है, क्योंकि असी स्टाफ में इस तो पहला ही आशा वर्कर तो लैके मेडिकल ऑफिसर तक हर रैंक के मुलाजम को प्रोपर ट्रेनिंग दी सी, उन्होंने किदा पर्सनल प्रोटेक्शन किस तरह करनी है, सोशल डिस्टेंस किदा बना के रखनी है, और लोगों की सेवा असी किस तरह करनी है, उन्होंने बारे उन्होंने बहुत विस्तार के नाल दस्या गया सी। और मेरे सारे ही मुलाजम इस सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्रोपर फॉलो कर रहे हैं,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬਲੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕੀ। ਹਮ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰੇਂਗੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਜੀ ਕੋ ਲੇਕਰ ਜੋ ਨਿਸ਼ਮ ਸ਼ਰਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੀ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਿਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਦਲਜੀਤ ਅਜੀ।